गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ चैप्टर नेम वीवर्स। वीवर्स क्या होते हैं हमारे पास, कौन होते हैं? अ पर्सन हु वीव्स क्लॉथ, यानी कि जो क्लॉथ्स को बुनते हैं। आयरन स्मेल्टर हु इंगेज, अ पर्सन हु इंगेज विद द बिजनेस ऑफ आयरन एंड मेटल्स, जो आयरन और मेटल्स का काम करते हैं। एंड फैक्ट्री ओनर्स, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं। एंड द फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है, आज हम मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इसके। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर। दिस इज चैप्टर ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। किसके बारे में है? क्राफ्ट यानी कि जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, जो क्राफ्ट करते हैं लोग घर पे, हाथ से बनी चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, किसके टाइम पे, कौन सा टाइम पीरियड? ब्रिटिश एम्पायर। इट मेनली फोकस ऑन टू इंडस्ट्री, ये टू इंडस्ट्रीज़ का मेनली फोकस था उस टाइम पे। कौन सी? टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल इन विच वी मेड क्लॉथ एंड आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील का तो आपको पता ही है कि जहाँ पर मेनली मेटल्स का काम हो। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, जो ये इंडस्ट्री थी मेनली कहाँ स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। इट वांटेड न्यू मार्केट टू सेल गुड एंड टू गेट रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर गुड। उन्हें क्या चाहिए था? एक मार्केट चाहिए थी जहाँ पर वो अपना सामान बेच सकें और जो रॉ मटेरियल है वहाँ से वो ला सकें, ताकि जो उनका थिंग्स हैं उससे बन पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए। इट लेड टू कन्फ्यूज्ड एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। लेटर ऑन इंडिया मार्केट वर फ्लडेड विद द ब्रिटिश गुड। तो क्या है कि जो इंडिया की मार्केट थी, जब ब्रिटिश एम्पायर आया तो उन्होंने जीत हासिल कर ली यहाँ पर, उनका राज था। तो क्या था कि लेटर ऑन इंडियन मार्केट, जो इंडियन मार्केट थी वहाँ पर क्या आ गया? फ्लड सा आ गया। किस चीज़ का? ब्रिटिश गुड्स यानी कि बाहर की चीज़ों का। ब्रिटिश गुड्स यानी कि जो बाहर की चीज़ें थी। बिफोर 18th century द इंडियन टेक्सटाइल वर वेरी पॉपुलर इन यूरोप। 18th century से पहले जो इंडियन टेक्सटाइल थी कहाँ ज़्यादा फेमस थी? यूरोप में। सो यूरोपियन इंडस्ट्री बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो यूरोपियन ने इंडस्ट्री क्या कर दिया? प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि जो वहाँ से माल आता है ना वो बंद कर दिया जाए। इट लेड टू द पासिंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स बैनिंग द प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने क्या कर दिया? कुछ एक्ट्स लगा दिए, कुछ टैक्स लगा दिए कि जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है वो वहाँ से आनी बंद हो जाए। आफ्टर 1760 मैनी न्यू इन्वेंशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड विच लेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप वूवन क्लॉथ विद गुड क्वालिटी। तो क्या था कि जो 1760 के बाद मैनी इन्वेंशन, बहुत सारी इन्वेंशन हुई इंग्लैंड में, जिसने क्या कर दिया कि जो वुमेन क्लॉथ की अवेलेबिलिटी थी वो कुछ चीप रेट्स पे, यानी कि सस्ते रेटों पे अवेलेबल करवाना शुरू कर दिया। सो यूरोपियन कंपनीज ब्रॉट सच क्लॉथ्स टू इंडिया एंड इट लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या होने लग गया कि यूरोपियन कंपनी कहाँ से माल खरीदने लग गई? इंडियंस, एंड लेड इट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री अफेक्टेड टू इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन मैनी वे। क्या था कि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, यानी कि जो इन्वेंशन उन्होंने की थी, उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ने लग गया? इंडियन टेक्सटाइल पर पड़ने लग गया, क्योंकि वहाँ से अब ज़्यादा माल नहीं खरीदते थे यूरोपियन, कहाँ से लेने लगे थे? ब्रिटिश से। तो इंडियन इंडस्ट्रीज हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश इंडस्ट्री। एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल बिकम वेरी डिफिकल्ट। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन इंडियन गुड्स लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब क्या होने लग गया था कि उन्हें कम्पीट करना पड़ता था किससे? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेंशन की गई थी वहाँ पर। तो क्या था कि मुश्किल था कि वहाँ कम्पीट कर पाए उनसे। एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। एक्सपोर्ट करना कि यहाँ से ब्रिटिश माल भेजना, यानी कि यूरोप बाहर की इस कंट्रीज़ में माल भेजना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। हैवी ड्यूटीज़, यानी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। तो क्या होने लग गया था कि नॉर्मली ऐसे एक्ट्स पास कर दिए गए थे कि इंडिया खुद ही डिक्लाइन कर दे वो काम करने के लिए।
As Indian weavers and spinners become unemployed, some of them become agriculture laborers, some migrated to city, and some went out of the country to work in Africa and South America. जो इंडियन वीवर्स थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था. कुछ क्या बन गए, लेबरर बन गए, कुछ फार्मर बन गए, कुछ कहाँ चले गए, दूसरी सिटीज़ में चले गए फॉर अ वर्क. आफ्टर 1850 बॉम्बे इमर्ज्ड एज अ मेन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एज मैनी कॉटन मिल्स वर एस्टेब्लिश ओवर देयर. 1850 के बाद क्या हो गया कि जो बॉम्बे था मेन सेंटर बना दिया कॉटन टेक्सटाइल का, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री क्या हो गई, इस्टेब्लिश हो गई, यानी कि वहाँ पर बन गई. बाय 1900 AD ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे. यानी कि कितनी, 84 मिल स्टार्ट हो गई थी बॉम्बे में. एज द ब्रिटिश स्टार्ट इम्पोर्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग डिक्लाइंड इन इंडिया. तो क्या होने लग गया था कि जो ब्रिटिश था उन्होंने स्टार्टेड कर दी थी आयरन कहाँ से लानी, ब्रिटेन से इंडिया पर. पर क्या था कि जो इंडिया था वो डिक्लाइन कर देता था उस चीज़ को. फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड इंडिया सा ग्रेट चेंज इन दिस फील्ड. तो क्या होगा कि वहाँ से उनको एक चेंज दिखने लगा था. दौरबाजी टाटा एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेद जी टाटा फाउंड आयरन ओर्स इन बिहार एंड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी सेटिंग अप आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा पैसा लगाया टेक्सटाइल खड़ी करने के लिए इंडिया में. द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को बिगिन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912 AD. कब, मतलब कि उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू करा था स्टील 1912 में. इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर ब्रोक आउट एंड द ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री वर बिजी इन मेकिंग वेपन्स फॉर ब्रिटिश आर्मी. तो कहता है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जो ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री थी वो कहाँ बिजी हो गई थी, ब्रिटिश आर्मी के वेपन्स बनाने में. देन लोकल नीड्स ऑफ इंडियन वर फुलफिल्ड बाय टिस्को एंड बाय ओवर द टाइम टिस्को बिकम द लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. तो क्या था कि जो लोकल नीड्स थी इंडिया की वो किसने कंप्लीट करी, टिस्को ने. एंड टिस्को क्या बन गया, लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गया ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर ही. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के.